trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done. तो आज है 5 मार्च 2022। तो इस दिन का हम सभी ने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया, हम सभी मतलब मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि आज है हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी। मतलब ईयर जो है वो एंड होने पे आया है, तो हमारी फ्रेशर पार्टी हो रही है, क्योंकि बीच में विंटर वैकेशन गया, फिर कुछ दिन वो लॉकडाउन वाला जो भी सिस्टम था उसकी वजह से लेट हो गया, तो बहुत टाइम से ये जो पार्टी है वो पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली आज वो दिन आ गया है, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज अभी। मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ, ऑफकोर्स पार्टी में जा रही हूँ तो रेडी होना तो बनता है, तो सारी बातें हम करेंगे रेडी होने के बाद। तो मैं रेडी हो गई हूँ। क्या यही सोच रहे हो ना कि मतलब ये कौन सी पार्टी है, कोई पार्टी वेयर ड्रेस नहीं, कोई मेकअप नहीं? तो यस, ये बहुत ही अतरंगी पार्टी है जहाँ पे हम जा रहे हैं। यानी कि हमारे जो HOD सर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं यूनिफॉर्म को लेकर के, तो उन्होंने हमें यूनिफॉर्म में ही पार्टी में बुलाया है, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं अभी। और क्या क्या मतलब स्पेशल वहाँ देखने को मिलेगा, इनफैक्ट कह सकते हैं अतरंगी वहाँ पे देखने को मिलेगा, कि अभी तो भाई पहले तो यूनिफॉर्म में हम जा रहे हैं एंड मेकअप के नाम पे कुछ भी नहीं है। और काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, तो बड़ा सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि ये पहनना है, ये पहनना है, साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, फाइनली क्या हुआ है, यूनिफॉर्म। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं, पार्टी का अरेंजमेंट कहाँ है वो नहीं पता है, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो फाइनली मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ, तो यानी कि हम लोग तो बहुत टाइम से पहुंच गए, लेकिन बट उससे पहले हमारी क्लास भी चल रही है। क्या खास है ना, मतलब ऐसी पार्टी तो आपने देखी नहीं होगी कि टीचर पढ़ाएंगे भी और बाद में हमें पार्टी भी देंगे। तो जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे वो यहाँ आ चुके हैं, सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्लीज़ हाई कर दो सब लोग। कुछ लोग आ चुके हैं, ये वो स्टूडेंट है जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए ये सब जितने बजे से पार्टी थी उतने बजे आए हैं, मतलब 12 बजे से आए हैं, और बाकी अभी भी क्लास चल रही है। वो है हमारे सीनियर स्टूडेंट जिनको मैं आपको मिलाऊंगी ज़रूर। बाकी हम लोग तो वेले हैं यहाँ पे, टाइम पास कर रहे हैं कि कब बस पार्टी शुरू हो जाए और हमें बुला लिया जाए, है ना? तो अभी हम और भी चीज़ें कैप्चर करेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में और इस पार्टी में। मतलब देखते हैं कैसी होगी। वैसे तो अभी जिस कॉलेज में गई हूँ मुझे फ्रेशर पार्टी मिली नहीं है, बट फाइनली यहाँ पे अगर फ्रेशर पार्टी मिली भी है तो वो भी बहुत ही अलग है। यूनिफॉर्म में बुलाया गया है और साथ ही साथ क्लास भी चल रही है, तो क्लास पार्टी दोनों। हाँ, तो हमें फाइनली बैठने की जगह मिल गई है, और कहाँ पर, लाइब्रेरी में। तो ये है हमारी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी में टाइम पास कर रहे हैं, और हमारे जो सिंसियर स्टूडेंट है वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और हम अभी भी यहाँ पे सिर्फ मज़े ही कर रहे हैं। और जितना लाइब्रेरी में साइलेंट रहना चाहिए ना, उतना ही ज़्यादा आवाज़ हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ बैठाया गया है। तो अब बैठाया गया तो बातें तो होंगी ही, और फ़ोटो सेल्फी यही सब चल रही है। हमारा बुलावा आ गया है, और काफ़ी रूल्स के साथ हमें बुलाया गया है कि आपको लाइन में आना है। आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो हम लोग फुल नियम और कानून के साथ नीचे जा रहे हैं। तो हम लोगों को फाइनली बुला लिया गया, और वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल के साथ कि आप लोग लाइन में ही एंट्री करिएगा। तो हम लोग लाइन में हैं, और लाइन में चलो सब लोग, लाइन में रहो भाई, लाइन में। गजब बेइज्जती है, ऑब्जेक्शन, गजब बेइज्जती है। चलो लाइन, अरे आने दो सबको, आओ सबको आने दो। हम लोग पहुंच जाए ये पॉसिबल नहीं है, अभी भी यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होने लगा है। देखते हैं अभी कितनी देर में हम पहुंचेंगे। और ये लंबी लड़की जो कहीं से भी हाय बोल सकती है, और ये छोटी लड़की, कानून है, कानून के हाथ लंबे होते हैं वो, कानून। तो कितना वेट किया आप लोगों ने पार्टी का, कितना वेट किया? पार्टी मिली है हम लोग, और कैसा लग रहा है मतलब यूनिफॉर्म में विदाउट पार्टी वेयर ड्रेस के पार्टी में आना? अद्भुत, अनसुनी, अनकही, अनदेखी पार्टी, अनकही, अनदेखी, अनसुनी पार्टी। फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो क्लिक करवाने के लिए भी, अनएक्सपेक्टेड पार्टी है। चलो हाँ, चलो चलो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, थैंक यू।
उसके साथ, और मुझे लग रहा है मैं सबको कैप्चर करने के चक्कर में ना मैं खुद लाइन से हट जा रही हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म आज हम लोगों के बीच में मिला है, हम लोग सुनना चाहते हैं आप सभी को, कृपया आप लोग हमारा सहयोग करें और कुछ अपने अंदर क्या है तुम लोग का, क्या सीन है? अब तो ये भी मिल गया। कैसे कैसे प्राणी है। सर क्या आपका, हाँ भैया क्या बोलना चाहेंगे? आप लोगों ने पार्टी बहुत अच्छी अरेंज की, ये तो मैं खुद बोलना चाहूंगी। हाँ तो बताइए क्या जूनियर्स आप लोगों को? अच्छे बहुत है, लेकिन शैतान बहुत है। बात ये ना, अगर हम लोग जूनियर लगेंगे नहीं तो आप सीनियर बनेंगे कैसे, है ना? इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए। बाकी हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छी आपने पार्टी अरेंज की। हाँ तो भैया आपने पार्टी बहुत अच्छे से अरेंज की थी, सच में ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मतलब जैसा कि टीचर्स ने भी कहा, कम टाइम में, एक मिनट कम टाइम में आपने, आप लोगों ने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप सभी का ये अवसर हमें जो मिला है, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी प्रयास करें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। और हाँ अभी तो मैं इनसे मिली मास्क लगाने में। हाँ तो ये दीदी से मिलकर काफी अच्छा लगा, इनसे मेरी बात भी हुई, और आप लोगों ने पार्टी भी बहुत अच्छे से अरेंज की थी। मेरा भी एक इंस्टा हैंडल है, शाजिस्मा अंडरस्कोर है, प्रमोशन फॉलो कर लो। हाँ तो आप इनको फॉलो जरूर करिएगा। चलो बाय। ये गिफ्ट हम लोग को मिला है। हाँ हम लोगों को पेन गिफ्ट में मिला, और ये हमारी मिस फ्रेशर। मिस फ्रेशर आप अपना क्राउन ढंग से रखें प्लीज। नेपोलियन को बुला लिए होते कहाँ। तो अभी वो सेट करके सिर्फ दिखा रही है जो भी है। तो कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है। हाँ इतने बच्चों ने मुझे चूज किया गया,
काफी खाने को मिला वो जो सौम्या को देना चाहिए था रिव्यू। बाय सासमा। तो चलो अभी बाय सीनियर। बाय करते हैं सबको। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम फॉर प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू गिव। वाह वाह वाह। प्लीज लास्ट रन बची रह गई। बायो को बधाई दूं उनका। तो फाइनली हम अपने कॉलेज को बाय करते हुए मी टू बाय बाय और बालों का बुरा हाल हो रहा है। मैं घर वापस आ गई हूँ और काफ़ी मज़ा आया पार्टी में। बहुत ही ये बोल सकते हैं ऐसा बहुत मस्ती वाली पार्टी नहीं थी, बहुत ही शांति वाली पार्टी थी, बहुत ही रूल्स के साथ थी, ये सारी चीज़ें थीं। बाकी अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी उन्होंने की थी। क्या है ना, मेरा जो कॉलेज है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे चीज़ें अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल होती है, चाहे आप डेकोरेशन से ले लो या फिर खाने की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया, जो भी मैनेज हो पाया तो काफ़ी अच्छा था। और सीनियर्स हमारे काफ़ी अच्छे थे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे ही, आप सबसे मिले भी और हमें गिफ्ट्स भी मिले इनफैक्ट, और जो भी चीज़ें थी हम लोग जो कर सकते थे वो हमने किया वहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, एंड अगर आप ऐसे ही और ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye and take care.